स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर बोर्ड के द्वारा दोगुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला गया है। अब सभी अभ्यर्थी जो कि दोगुना में शामिल हो गए हैं, वो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इनकी प्रोसेस आगे की कंप्लीट होगी। आप सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर कुछ कहा गया है कि उनके यहाँ पर स्टाफ की कमी होने के कारण, साथ ही एक नया ऑनलाइन जो उन्होंने मोड शुरू किया है उसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो इसको देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जल्द से जल्द कराने को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी प्रयास जारी है, जिसको देखकर लगता है कि आपकी प्रोसेस जल्द स्टार्ट हो सकती है। इसके साथ ही हम आज के वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है कि यहाँ पर आपकी क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो में अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट बॉक्स में यही पूछा गया है कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। तो आज हम नॉन TSP एरिया में सभी कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि लगभग आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है, और एक तरीके से आपको यही कट ऑफ आपके फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आपका दस्तावेज सत्यापन कब स्टार्ट होगा और कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आ पाएगा, और क्या इस साल आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और जहाँ तक लगता है लगभग 5 अगस्त के आसपास आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो जाएगा। और जहाँ तक लगता है सबसे पहले आपका ऑनलाइन DV करवाया जाएगा, तो ऑनलाइन DV आपका लगभग 15 अगस्त से पहले होने की उम्मीद है, और इसके बाद हो सकता है आपका डिपार्टमेंट या बोर्ड यहाँ पर आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लगभग कुछ दिनों बाद ही आपका यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और एक उम्मीद है कि लगभग आपका 10 सितंबर से पहले आपका ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसे यहाँ पर कंप्लीट करवा लिया जाएगा, और लगभग उसके बाद 1 से 1.5 महीने के भीतर यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है, और हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट दे दें। वरना एक एवरेज जो टाइम अगर मान के चले तो 1 से 1.5 महीने का समय लगता है फाइनल रिजल्ट आने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। तो लगभग अनुमान है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अक्टूबर के महीने में जारी हो जाएगा। लगभग 15 से 20 अक्टूबर के आसपास आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है अगर आपकी प्रोसेस इसी प्रकार चलती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगस्त में लगभग कंप्लीट होता है और थोड़ा बहुत अगर सितंबर भी तक जाता है तो भी यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट 15 से 20 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग होती है, तो अनुमान है कि लगभग नवंबर एंड या दिसंबर में आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले से ही समय काफ़ी ज़्यादा लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि एक भर्ती में रिजल्ट आने के बाद जब 2 गुना या 3 गुना का रिजल्ट आता है तो इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने में लगभग 3 वीक का ही मैक्सिमम समय लगता है, लेकिन यहाँ पर अब समय ज़्यादा हो चुका है। तो आगे की प्रोसेस भी इसी प्रकार चलेगी, तो एक हिसाब से यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा और लगभग नवंबर दिसंबर में जाकर आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। पहले जहाँ पर लग रहा था कि दिवाली से पहले आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन अब जो प्रोसेस काफ़ी स्लो हो चुकी है, तो लगभग अनुमान है नवंबर या दिसंबर में जो है आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। अब हम यहाँ पर बात करें कि आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो एक अनुमान है कट ऑफ का, अगर आपके नंबर इतने या इस रेंज में है तो यहाँ पर आप फाइनल में सेलेक्ट होने की आपकी पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ पर फाइनल में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नॉन TSP एरिया में मेल फीमेल दोनों के लिए ही विभिन्न कैटेगरी की कट ऑफ बताई गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको 2-3 नंबर का देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जनरल मेल कैटेगरी की, तो जनरल मेल में जिनके भी नंबर लगभग 590 प्लस है, यानी कि अगर 595 के आसपास है तो आपका यहाँ पर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके नंबर 590-595 के बीच है तो भी आपके चांस बनते हैं कि आप यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें जनरल फीमेल की, तो जनरल फीमेल की कट ऑफ लगभग आपको 535 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी 2 गुना की कट ऑफ गई है लगभग 513 नंबर। तो लगभग 535 नंबर की कट ऑफ आपको यहाँ पर जनरल फीमेल की फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर हम बात करें तो जो OBC मेल और EWS मेल की जो कट ऑफ होती है, ये यहाँ पर पूरे तरीके से जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की कट ऑफ पर डिपेंड करती है कि उनके कट ऑफ में कितना यहाँ पर बदलाव आया है। तो OBC मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 585 प्लस ही देखने को मिलने वाली है। तो एक अनुमान है कि लगभग OBC मेल की कट ऑफ जिनके 585 नंबर के आसपास हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इससे 2-3 नंबर कम भी है, यानी कि 580 से 585 के बीच भी है, तो भी एक चांस बनता है कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा।
इसके अलावा अगर बात करें ओबीसी फीमेल, तो ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 495 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि ओबीसी फीमेल की कट ऑफ जनरल मेल पर डिपेंड, जनरल फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लगभग आपको 495 या 490 से 495 के बीच में आपको ओबीसी फीमेल की कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस मेल, तो ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 555 से लेकर 562 नंबर के बीच देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें लगभग आपको 25 से लेकर 30 नंबर का वेरिएशन आपको दो गुना के और फाइनल कट ऑफ के बीच में देखने को मिलेगा। तो ईडब्ल्यूएस मेल की कट ऑफ 555, जिनके भी 555 प्लस है उनका तो यहाँ पर सिलेक्शन होने की उम्मीद पूरी है कि लगभग उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर बात करें ईडब्ल्यूएस फीमेल की, तो ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 460 से 465 नंबर की देखने को मिलेगी। अभी इनकी कट ऑफ लगभग 442 नंबर है, तो एक हिसाब से इनके 21 नंबर बढ़ सकते हैं, तो 465-460 के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी। बाकी अगर बात करें एमबीसी मेल की, तो एमबीसी मेल की कट ऑफ लगभग आपको 500 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी। एमबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 380 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें एससी मेल, तो एससी मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 447 नंबर के आसपास गई है, तो 470 नंबर के आसपास इनकी फाइनल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। एससी फीमेल की कट ऑफ आपको सबसे कम 345 नंबर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं एससी फीमेल की जो दो गुना की कट ऑफ गई है वो लगभग 319 नंबर है, जो कि उनके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है लगभग 315 उसके आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है एससी फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी फाइनल, वो लगभग आपको 345 नंबर के आसपास ही देखने को मिलने वाली है। बात करें एसटी मेल की, तो एसटी मेल की कट ऑफ लगभग आपको 462 नंबर के आसपास देखने को मिलेगी, और एसटी फीमेल की कट ऑफ लगभग 385 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक ऐसी कैटेगरी जिसके कारण यहाँ पर बाकी कैटेगरी की कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो है एमई, यानी कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय। आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में एमई कैंडिडेट के लिए लगभग 12.5 यानी कि 12.5% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, तो जिसके कारण दूसरी कैटेगरी की कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है एमई कैंडिडेट की, उनके लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 550 नंबर के आसपास है, जिनके भी 550 नंबर के आसपास है उससे ज़्यादा हैं वो यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करती है बाकी सब कैटेगरी इस एमई कैटेगरी पर। तो थोड़ा वो जो है प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो एक हिसाब से जिनके भी नंबर इतने या इस रेंज में है या इससे थोड़े से कम भी हैं अगर 2-3 नंबर, तो भी यहाँ पर उनकी उम्मीद है कि वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जो भी इस रेंज में है उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जहाँ तक लगता है, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट जब आएगा उसके साथ ही आपको फाइनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगी, तो तब पता चलेगा यहाँ पर की कट ऑफ कितनी रही है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें हमने बात की है मुख्य तौर पर कि क्या आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, इसके अलावा आपकी आगे की प्रोसेस किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक लगता है कि इसी हिसाब से आपकी आगे की प्रोसेस चलने वाली है, और जो कोर्ट केस चल रहे हैं वो यहाँ पर चलते रहेंगे, और उनका जो भी सॉल्यूशन होगा वो होकर आपकी यहाँ पर भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम वापस होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर अफवाह फैलाई जा रही है कि एग्ज़ाम में बहुत बड़ा पेपर लीक हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और जहाँ तक उम्मीद है अगर कोई क्वेश्चन के कारण यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ता है तो हो सकता है यहाँ पर कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लिया जाए। वो सब डिपेंड करता है कोर्ट के ऑर्डर पर, जिसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। तो आज का वीडियो हमारा खास तौर पर आपके आगे की प्रोसेस और आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है उस पर था। तो इसको लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपकी क्या राय है कि क्या यहाँ पर आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रह सकती है वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई और प्रश्न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।